तो दोस्तों कस्टमर ने ये फोटो दिया है और इसको एकदम टकाटक करने के लिए बोल दिया है। इस फोटो को पहले तो रोटेट करके सीधा कर लेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं फोटो को तिरछा है, तो पर्सपेक्टिव टूल लेके हम चारों कॉर्नर सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट होने के बाद सिंपली ओके कर देंगे तो उस फोटो अपना सीधा हो जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाएगा। तो इस फोटो का आगे का वर्क हम 12x18 इंच पे करके लेंगे। फोटो को बैकग्राउंड ग्रे रखेंगे, इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके 12x18 के पेज पे रख देंगे और इसके बाद सिंपली कंट्रोल टी करके अपने फोटो को बड़ा कर लेंगे और अपने हिसाब से उस फोटो को एडजस्ट कर लेंगे ताकि आगे का वर्क कर सके। इसके बाद कंट्रोल जे करके इसके एक डुप्लीकेट निकाल के कंट्रोल यू करके इसको प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे, तो फोटो के ऊपर येलो टोन आया था। कंट्रोल एल करके उसका वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, डार्क पार्ट को और डार्क व्हाइट पार्ट को और व्हाइट करेंगे तो जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं एकदम विजिबल आएगी और अच्छे से दिखेगी, आगे का वर्क अच्छा कर पाएंगे। जो फोटो के ऊपर दाग धब्बे हैं पैच टूल से हम एक 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 सिलेक्ट करके क्लीन करेंगे ताकि जो भी आगे का वर्क करेंगे तो वो अच्छे से हम कर पाएंगे, इसलिए नहीं तो ब्लेंड करते टाइम वो बिगड़ जाता है। तो आप भी ऐसा फोटो आता है तो पहले तो क्लीन करके लीजिए और इसके बाद फोटो को जेपीजी में सेव करके रेनिमे ऐप में इनहांस करके फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है यहाँ पे, ताकि जो भी स्किन का टेक्चर और मिसिंग डिटेल थी रेनिमे ऐप के थ्रू और अच्छे से हो जाए। टोन आया था, ये कंट्रोल यू करके मैंने प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत है नहीं तो हम पेन टूल से इसी को कट कर लेंगे। आप भी जब फोटो को कट करेंगे तो मैं पेन टूल ही रिकमेंड करता हूँ, इससे स्मूथ और कर्व टाइप हम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। 2% फेदर रखा है, बैकग्राउंड इरेज कर लिया है और अब हम फेस को अलग लेयर पे कट करके रखेंगे ताकि हम उसको स्किन टोन दे सके। कंट्रोल बी करके रेड 100%, येलो 50% और हाईलाइट में जाके मिड टोन में जाके अपने स्किन टोन लाने की कोशिश करेंगे। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो फिर से जो ब्लेजर है वो कोट है उसको थोड़ा डार्क कर दिया है और आप देख सकते हैं कि स्किन टोन बालों में भी आ गया है। तो एक ब्लेंडिंग एक न्यू लेयर लेके ब्लेंडिंग मोड कलर करके वहाँ पर हम अगर ब्लैक कलर वाइट या ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, उधर का कलर निकल जाता है। तो मैंने आंखों में, मूंछों में, आईब्रोज में और बाल में व्हाइट कलर अप्लाई कर और थोड़ा सा वो मर्ज करके सैचुरेशन बढ़ा दिया है। अपना स्मज टूल लेके अभी स्किन को क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं भले ही रेनिमे ऐप से ये डिटेल इनहांस हो चुकी है पर वो इतनी क्लीन नहीं है। एक बार हम स्मज टूल से उसको ब्लेंड कर देते हैं तो एक तो हमें ऑलरेडी अच्छे से डिटेल तो मिल चुकी होती है, उसके बाद हम अगर स्मज करते हैं तो हम अगर आर्टिस्टिक चाहिए तो हम पैच क्रिएट करके कस्टमर को दे सकते हैं, रियलिस्टिक चाहिए तो सिंपली स्मज टूल से आप स्किन को स्मूथ कीजिए और बाद में एक बार फिर से आप रेनिमे में एनहांस कर लेंगे तो स्मूथ सरफेस अगर वो डिटेल निकालेगा तो बहुत अच्छा डिटेल आपको मिल जाएगा और अच्छे से रियलिस्टिक फोटो दिखने लगेगा। स्मज टूल का आप देख सकते कि मैं वैल्यू जो है अलग अलग रख रहा हूँ, जैसा एरिया है डिटेल्ड एरिया है वहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाई है और जहाँ सरफेस है वहाँ पर ब्रश भी मैंने बढ़ाया है और इस तरीके से जो आउटलाइन है हमें उसको शार्प करना है और सरफेस है उसको स्मूथ करना है, तभी हमारा वर्क दूर से अच्छा और क्लीन दिखने लगेगा। तो जितने हम डिटेल क्रिएट कर सकते हैं, आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उतनी आउटलाइन ड्रॉ करनी चाहिए ताकि जो डिटेल है और फोटो है एकदम शार्प दिख सके। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि इसके वैल्यू क्या रखनी है, तो अपनी फ़ोटो के हिसाब से रखनी है, फ़ोटो में कितनी डिटेल है उसके ऊपर रखना है। पर आप कीजिए कि दो ब्रश का यूज़ कीजिए, एक डिटेल निकालने के लिए एक ब्रश अलग रखिए और एक ब्रश जो सरफेस है माथे का, गाल का, वो बड़े बड़े एरिया होते हैं छाती का वगैरह, तो वो स्मज करने के लिए अलग ब्रश इस्तेमाल कीजिए, अच्छा वर्क हो जाएगा और कम टाइम में हो जाएगा। ब्रश के बारे में मैं और डिटेल में एक वीडियो बना के लाऊंगा ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। इसको टाइम तो बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने कुछ वर्क कंप्लीट कर लिया है और आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि हमने इतना काम किया कर लिया था और थोड़ा बहुत मैंने इसमें चेंजेस कर लिया था। आपको मैं दिखाता हूँ कि जो बाल है इसके ऊपर अभी इसी को स्मज करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने क्या किया, पहले तो इसको प्रॉपरली ब्लैक कर लिया है।
आप देख सकते हैं कि बालों में काला कलर मैंने मार दिया है ताकि हम जो भी डायरेक्ट ब्रश से अपने ब्रश स्ट्रोक मार सके, नहीं तो अगर इसी में अगर हम करने लगेंगे तो ये बहुत इसी को ना तो स्मज कर पाएंगे अच्छे से, ना हम एक्स्ट्रा ब्रश स्ट्रोक डाल पाएंगे। तो इसके लिए मैंने पूरे बालों में काला कलर तोप दिया है। जो कोट है इसी के ऊपर मेहनत करना करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो ड्राइंग करनी पड़ेगी यहाँ की तो बहुत टाइम जाता है। तो मैं गूगल से एक ब्लेज़र डाउनलोड कर लिया, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, देन उसको स्मज भी कर लिया और जैसे फेस में स्मज किया था ऐसे स्मजिंग का इफेक्ट मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। अभी कैसा स्मज करते तो ऑलरेडी आपको दिखाया है, सिर्फ अभी टाइम बचाने के लिए मैं आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसके बाद जो कोट है और ये है, ये चीज़ मैंने क्या किया है, ओरिजिनल फोटो से ही कट करके यहाँ पे ऊपर रखा है। और उसके बाद कुछ फिनिशिंग थी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लाइन वगैरह थी, कुछ नॉइज़ था यहाँ पे तो मैंने सब वो क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे ये वो पट्टी होती है वो भी ये कर दी है। अभी बारी है कि हेयर की, तो मैंने हेयर भी इसी तरह से डायरेक्ट बड़ा ब्रश लेके स्ट्रोक ऐसे मार दिया है। और इसके बाद अभी बैकग्राउंड की बारी है, तो रेडीमेड मेरे पास एक बैकग्राउंड था ये वाला, तो हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूँगा, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और अभी फाइनल फोटो हमने ये कर लिया है जिसका हेयर में थोड़ा कलर, ब्लेज़र में थोड़ा कलर ऐड कर दिया है ताकि और थोड़ा सैचुरेट लगे। और क्लीन कर दिया है। अब मैं झूम करके दिखाता हूँ क्या किस तरह से किया है, आप मूछे वगैरह देख सकते हैं कि उसको भी, हालांकि और इसमें फिनिशिंग करनी बाकी है, मैं इतना करके कस्टमर को भेज दूंगा, कस्टमर क्या बोलता है उसमें क्या करेक्शन है वो करके सब चीज़ें करके उसको फिनिशिंग करके फाइनल फोटो भेज दूंगा। पर एक बार आप कान का वगैरह स्मजिंग देखेंगे तो बहुत यहाँ पर क्लीन हुआ है और थोड़ा थोड़ा नॉइज़ यहाँ पर है, तो वो मैं बाद में क्लीन करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर ये फोटो कैसा लगा आपको, बिफोर आफ्टर मैं दिखाता हूँ एक मिनट। देख सकते हैं कि ओरिजिनल फोटो ऐसा है और उसके बाद मशक्कत करने के बाद, मेहनत करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस फोटो को ऐसा किया है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो ये वर्क कैसा लगा आपको, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है वो कर सकते हैं। और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।